ऐसा दिन आता है जो हम आज सभी नाते रिश्तेदार गांव जवान इस जगह एकत्रित होते हैं। साल भर के बाद एक ही बार आता है, लिहाजा मेरा मेल का है सभी लोग सावधानी पूर्वक मेला देखें, प्रेम पूर्वक देखें, शांति बनाए रखें, मेला को मेला की नजर से देखें, किसी राजनीतिक की नजर से न देखें और शांति जब बनाए रखेंगे तब आनंद आएगा। हाँ तो लीजिए एंड दीजिए, लीजिए एंड दीजिए, शांति का सहयोग दीजिए और मनोरंजन भरपूर। हाँ तो लीजिए पहली बात तो शांति का सहयोग दो, दूसरी बात भारतीय संस्कृति परंपरा को बरकरार रखो और तीसरी बात नौटंकी देखा ना आए और नौटंकी देखे हो जरूर, इतनी कृपा रखे तो मुहतन जाए धूम। और चौथी बात कहते हैं समझ के बैठना है हुस्न लैला देखने वालों और तमाशा खुद बन जाना तमाशा। और पांचवी बात, अब तो हम आप लोगों की सेवा में पैदा हो चुके हैं, आप लोगों को देख के ताजुब हुआ होगा इतना खूबसूरत इतना हसीन लड़का किधर से निकल आया। अब ऐसा लड़का नहीं पैदा हो सकता है क्योंकि हम जिस कारखाने से पैदा हुए थे वो कारखाने बंद करवा दिया गया है। हाँ तो लीजिएगा हमारी गली में 36:42 हो रहे हैं और इस समय हम 1648 मीडियम केंद्र BPC लंदन से बोल रहे हैं एवं आकाशवाणी ही संपत्ति वार्ता स्वयं काम प्रवाचिका बलदेवानंद सागरा नवीन ताजा समाचार ब्रिटानिया की प्रस्तुति जय हनुमान। इस ब्रेक के बाद टेटुआ टाइम पिछकूटी ट्रैक्टर में डराओ साइकिल में डराओ मजबूती का रिकॉर्ड होगा 15 मिनट में 50 पेजों की गारंटी होगी। नवीन ताजा समाचार हमारे विशेष संवाददाताओं ने सरकारी प्रवक्ता को जानकारी देते हुए बताया है कांग्रेस पार्टी के नेता जनाब थारू के प्रधानमंत्री के विषय में गलत टिप्पणी करने के कारण राजनीति गर्म हो गई है। ज्ञातव्य होना चाहिए उन्होंने पीछू से लगा करके और शक्ति को लगा करके तमाम ऐसे अपशब्द कहे जो कि वो समाज के खिलाफ है। नवीन ताजा समाचार इधर अमेरिका के राष्ट्रपति जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने जो है भारत का गणतंत्र दिवस पे आने का न्योता ठुकरा दिया है। क्या तब भी होना चाहिए कि इजराइल से तेल भारत लाता है, इस मामले के लिए अमेरिका इजराइल पे प्रतिबंध लगा रहा है। नवीन ताजा समाचार इधर 2 दिन के दौरे में आज भारत के प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी जापान पहुंच गए हैं, उन्होंने एक बुलेट ट्रेन में दोनों नेताओं ने यात्रा ली की। नवीन ताजा समाचार एक विश्व सर्वे में सामने आया है पाकिस्तान जो है इजराइल से भी 3 ज्यादा गुना आतंकवादी वहां पल रहे हैं। इसकी एक सर्वे रिपोर्ट में दुनिया में सबसे ज्यादा काली सूची में पाकिस्तान ही है जहां आतंकवाद फल फूल रहा है। नवीन ताजा समाचार इधर उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के भुगतान के मामले को लेकर के 5 करोड़ की आर्थिक व्यवस्था चीनी मिलों के लिए पहुंचा दी गई है। नवीन ताजा समाचार इधर समाजवादी के पार्टी के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश सिंह यादव ने कहा है कि ये सरकार हर तरीके से फेल हुई है, अगले आने वाले चुनाव में इसको जवाब मिलेगा। नवीन ताजा समाचार ब्रिटानिया की प्रस्तुति जय हनुमान। इस ब्रेक के बाद तारकों साबुन डिटर्जेंट के किया खुशबू डाल लाए, गोरे गोरे बच्चों के गालों में लगाए, उल्टा उल्टा लटकाए, सफेदी को पकाए, मैल को पकाए। ये थे अब तक की समाचार मुख्य, अब होंगे समाचार सारांश। कल झारखंड में कुतिया कुत्ताओं ने अपना आंदोलन चालू कर दिया है, सरकारी बैठक में मांग की गई है बिहार व शहर में जितने कुतिया कुत्ता बंधे हो छोड़ दिए जाए, कार्तिक के महीने में उनका सीजन अधूरा रह जाता है। कल इलाहाबाद में कुछ किसान लोग आलू खोल रहे थे, आलू का ढेर बहुत ऊंचा लगा था, बैठ कर चिलम पीने लगे, 1 आलू लुढ़की, 300 आदमी मर गए, 76 आदमी घायल हुए। जो मर गए उनका अस्पताल में इलाज हो रहा है और जो घायल हो गए हैं वो दफना दिए गए हैं। कल लखनऊ बलरामपुर हॉस्पिटल में एक औरत के 42 बच्चा पैदा हुई है, अभी और पैदा होने की संभावना।
गंगा नदी में आग लग जाने के कारण 3 क्विंटल कछुआ 15 क्विंटल मछलियां बहुत बुरी तरीके से जल गई हैं। आग बुझाने के लिए 15 टैंकर पेट्रोल भेज दिया गया है, लेकिन आग पे कोई काबू नहीं पाया गया है। कल कानपुर सेंटर से एक रेल का इंजन चोरी हो गया है। तमाम जांच पड़ताल के बाद CID पुलिस ने पता लगाया है। कल गौसगंज में एक हलवाई के रसगुल्ले में बरामद हुआ है। हलवाई को गिरफ्तार करके 3 महीने की फांसी 4 महीने की जेल कर दी गई है। समाचार समाप्त हुए। किसान भाइयों के लिए कलेक्टरगंज गन्ना मंडी का भाव कानपुर, गेहूँ का भाव 1895 रुपया प्रति क्विंटल, मटर का भाव 3266 रुपया प्रति क्विंटल, मक्के का भाव 1405 रुपया प्रति क्विंटल, अरहर का भाव 4850 रुपया प्रति क्विंटल, नमक का भाव 6,55,72,84,503.40 रुपया तोला। एक बार बताओ तुम झूठ इतना काहे बोल रहे हो? क्या झूठ बोल रहे हो? नमक इतना कब से महंगा हो गया? जब से GST लागू हो गई। ऐसा कुछ हुआ? हमारे संग हुआ नहीं। जब से GST लगी और उसके साथ साथ चाहे सरकारी अधिकारी हो चाहे प्राइवेट हो, नमक खा के नमक हरामी तो ना पहुंच करता। ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं, हमारे संग अभी नहीं हुआ। अच्छा, नमस्कार। हाँ तो ये हमारा बाजा मास्टर का झंझट, ये हमारे भाई, हम इनके अब्बा।